وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون अलहमदल्ला रबिलवीन वलात वसलाम अला खातमिल्बिया इब्बलमसरन व अला आ रही व अबी व मन तबीम बसानद्दीन अम्माबाद अल्लाह ताली का फजल करम है कि मनहज के इस दरस में हम शर्क हैं बहुत सारी बातें कल के दरस में हमने मातुरदिया के तल्ल से सुना जो एक गुमराह फ़िरका है और इसके जो उसूल हैं उसके बारे में हाँ, कवाद और इसके जो बातें हैं बहुत सारी बातें हमने पढ़ी और अशायरा के बारे में भी हमने पढ़ा तो कुछ बातें इसमें आ, ऐसी भी थी जो यहाँ नकल की गई हैं ख़ास कर ये इबारत है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं ये इबारत के तस्व के सिलसिले में ये लोग किसके रास्ते पर चलते हैं تويك عبارة نے نقل کی قد ذهب لزيارة قبر الخاجة معين الدين تشتي إمام الصوفية التشتية بمرافقة كبار الدوبندية منهم أشرف علي التهانوي الملقب عند الدوبندية بحكيم الأمة ثم جلس للمراقبة أمام القبر واستغرق في المراقبة كأنه أغمي عليه वरना इसका नाउलकबरी वयस जदला ये इबारत है जहूदलमा हनफिया फ़ीबालदलकबूरिया जल नंबर दो सफ़ा नंबर छः सौ साठ पर एक की तो इसके ताल्लुक़ से लिखते हैं किबारा देवबंद के साथ सूफ़ियों और चश्तियों के इमाम ख्वाजा मीनुद्दीन चश्ती की कबर की जियारत के लिए गए जिन में मौलाना अशरफ अली थानवी भी थे जिनकी किताब भी बड़े शौक़ से पढ़ते हैं बहश्ती जेवर पहले हर घर में होती थी ना, जो देवबंदियों के यहाँ हकीम उम्मत के लक़ से मरूफ़ हैं देखिए वहाँ क्या बोलते हैं और उनकी कबर के सामने मुराकबे में बैठ गए सही अस की रोशनी में जायज़ नहीं है जायज़ नहीं है किसी कब्र के सामने जाकर आप ऐसे बैठें जैसे अल्लाह के सामने खड़े होते हैं सर झुकाए मुराकबे में पूरे इसके साथ इनहिमाक के साथ तवज्जो के साथ और मुराकबे में इस कदर डूब गए इस कदर डूबे कि गोया बेहोश हो गए ख़बर के सामने जाकर तसव्वुरात की दुनिया में मुराकबे में ऐसे खो गए जैसे वो कहाँ हैं बेहोश हो गए हैं और लोग बर के अतराफ़ तवाफ़ कर रहे थे और उसका सजदा कर रहे थे तो ये मौलाना देख रहे थे कि लोग खबर का तवाफ़ कर रहे हैं और सजदा कर रहे हैं जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ला यहूद नसारा इतखद अम्बिया अहम मसाजिदा अल्लाह ताला यहूद नसारा पर लानत करे इन्होंने अम्बिया की ख़बरों को क्या बना लिया है सजदगा बना लिया है अल उसके साथ साथ वो तो कहते हैं तसव्वुफ तसव्वुफ के बारे में आप क्या जानते हैं आप किसी सूफी को आपने देखा है आम तौर से एक अतलाह है कोई अल्लाह वाला है कोई शेख है मौली साहब है तो लोग उसे क्या करते हैं सूफी साहब क्या बोलते हैं सूफी साहब तो आपको भी लोग सूफी साहब कहते होंगे सूफी दीनदार आदमी पहले दीनदारों की जैसे आजकल दीनदारों की मुख्तलिफ ज़माने में मुख्तलिफ़ निशानियाँ हैं अब रही दाढ़ी तो दाढ़ी तो सारे रखते हैं दाढ़ी में कोई फ़र्क इम्तियाज़ नहीं अभी तो गैर मुस्लिम भी दाढ़ी रखते हैं ईसाई भी दाढ़ी रखते हैं दाढ़ी आपको इसके लिए नाकाफी है कि आपको क्या करे बहाल जो चीज़ मैंने नोट किया है मैं पहचान लेता हूँ दाढ़ी डाढ़ी में फ़र्क़ मालूम होता है अगर वो मुसलमान हैं तो उसकी दाढ़ी और मूँछ में थोड़ा फ़र्क होता है मूँछ जरा कम होते हैं अगर गैर मुस्लिम हो तो मूँछ भी दाढ़ी के बराबर इतने रहेंगे हाँ समझ जाएंगे अच्छा ये हमारा आदमी नहीं है तो थोड़ा हमको मालूम होता है अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कसुशवाफुल्लह वाहफुल्लहा यानी दाढ़ी बढ़ाओ और मूछ कम करो मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तन ने फरमाया कि अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी से खूबसूरती दी क्या दिया दाढ़ी मर्द के लिए क्या है जेवर है थोड़े लोग ये जेवरांच निकालना चाहते हैं। जैसे औरत के लिए जेवर है गले का जेवर कान का जेवर कलाई का जेवर ना यहां गहने हैं सारी चीजें हैं वैसे मर्द का जेवर क्या है दाढ़ी है ये देखिए तो तसव्वुफ सूफी जो लोग होते हैं सूफियत वो लोग उनकी ज़माने में मुख्तलिफ़ निशानियाँ होती थी एक जमाने में वो मोटा ढाटा कपड़ा पहनते थे यानी एकदम सीधा साधा कपड़ा पहनेंगे अल्लाह वाले हैं लोग समझ जाते ये अल्लाह वाला है मोटा ढाटा कपड़ा पहनेंगे तो जैसे हम जानते हैं कि कपड़े से दाढ़ी से आदमी की दीनदारी नहीं झलकती है आदमी कुछ भी पहन ले? आ? एक जाहिल आलिम का लिबास पहन ले तो आलिम नहीं हो जाता है ऊपर एक नीचे एक इधर ऊपर से दो अगर आदमी डाल ले तो लोग उसे हज़ार आलिम कहें लेकिन उसको मालूम है कि मैं क्या नहीं हूँ आलिम नहीं हूँ इधर तफत बिहिल बिल महाफिल हूँ यानी अगर कितनी महफिलें उसके साथ जमा हो जाएँ कितने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए लेकिन उसको पता है कि वो निरा जाहिल है ठीक है इसके ताल्लुक से एक सवाल पूछा गया कि तस्व और सूफ़ीत क्या है गौर से सुने ये किताब ऐसी है अल्लाह ताला मऊल्फ को जज़ाय ख़ैर दे इसमें उन्होंने बड़ी अर्क इर्क रेजी की है बड़ा बड़ी मेहनत की है बड़ी मेहनत की है मैं सारे उलमा को मशवरा दूंगा कि वो किताब ज़रूर पढ़ें तो इसलिए कि बहुत सारे हैं जिसको ढूंढने के लिए हम बहुत कोशिश करनी पड़ती है अब मैं सूफ़ी के तल्ल से ढूँढना है आप इंटरनेट पर जाओ गूगल में तलाश करो किताबें टटोलो इधर उधर ये किताब अगर वो पढ़ लेंगे तो सारी मालूम आपको इस किताब में आ जाती है। जिन मालूम की हमें ज़रूरत है सारी मालूम को इन्होंने यहाँ बयान कर दिया है माशा बड़ी मेहनत इन्होंने की है अल्लाह ताली इनको जजाय ख़ैर दे इस सिलसिले में कहते हैं तसऊफ़ और सूफ़ क्या है इस सिलसिले में फ़तवा इस्टैंडिंग कमेटी जो सऊदी अरब की है उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए सवाल क्या है कि तसव्वुफ़ सूफिया और उनके अकायद के मुतालिक बताएँ और ये भी बताएँ कि इनके मुतालिक अहल वल जमाअ की क्या राय है तो कल एक किसी ने आडियो पोस्ट किया था उछलू शाह देखा आपने उछलू शाह का वीडियो छोटा सा शॉट वो कुर्सी पे बैठे हैं ऐसा उछल रहे हैं एक आदमी माइक संभाल रहा एक आदमी कुर्सी पकड़ के बैठा नीचे उछलू शाह जहाँ गिर ना जाए ये कैसी तकरीरें थीं ये क्या वजद आता था ये क्या इसराबी कैफियत थी अल्लाह जाने शयातीी इनके जिस्म में आ जाते हैं अल्लाह अल्लाह ताला महफूज रखे साहब क़राम ने भी तकरीरें की मेरे नबी ने भी तकरीरें की तो उनकी तकरीरों में क्या बात थी उनके बाज़ नसीहत में क्या बात थी कि उन अंदर ये सारी चीज़ें नहीं थी किसको देख कर इन्होंने ये चीज़ें अपनाई हैं एक एक मुरीद आता है हाथ मुसाफ़ा देता है देते उसके अंदर शौक आ जाता है ऐसा 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 फिर नीचे गिर जाता है तो देखने वाले कैसे देखते हैं अजीब अजीब हरकतें इन दर्श के बाद हम आपको बताएंगे उछलू शाह कौन है ठीक है याद दिलाऊ तो कहते हैं कि उसमें वो कहते हैं कि सूफिया और सूफियत के ताल्लुक से अहल सुन्नावालजम की क्या राय है और अहल सुन्ना वल से ताल्लुक रखने वाले अफ़राद को सूफिया और सूफ़ियत से किस तरह मामला करना चाहिए जबकि सूफी लोग अपने अकीदे पर जमे रहें और हक वाज हो जाने के बाद भी अपने आप को हक पर न समझें एक सवाल है एक सवाल है सूफी और सूफियत के ताल्लुक से अहलसन्ना वालजमत का क्या मौकफ़ है इस सिलसिले में जवाब देते हुए कहा कि जवाब लंबा है शायद एक ही आज के दर्शन में हम लोग ये जवाब पूरा न कर पाए सूफी 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 का लफ्ज सूफ ऊन से निकला है आप टर्की का देखेंगे सूफिया सबसे बड़ा शहर है सूफिया सबसे बड़ा नहीं लेकिन मेजर सिटी है बड़े बड़े शहरों में शुमार होता है इसलिए कि बहुत सारी आबादी सूफिया शहरी में है तो सूफ असल में लगते हैं ऊन ऊल क्या बोलेंगे उसे उलन क्या बोलेंगे उल। क्योंकि यही उनके लिबास की आइडेंटिफिकेशन थी इस तरह का वो लिबास पहनते थे जब वो पहन लेंगे तो हम बोलेंगे कि सूफ़ी अल्लाह वाला है और ये माना जबान के एतबार से लैंग्वेज के अतबार से और उनकी हकीकी सूरत हाल के एतबार से भी ज़्यादा करीब है जबकि उनके बारे में ये कहना कि उन लोगों की नस्बत अब्फ़्फ़ा रजी अल्लाह तू की अनहुम की तरफ है। तो कुछ लोग क्या करते थे तो इनको जोड़ते थे सुफा सूफी एक तो दो बातें हुई सूफी से मुराद क्या है सूफी से मुराद क्या है एक उनके लिबास की तरफ हम जोड़ रहे हैं सूफ़ी दूसरा ये कि सुफा की तरफ जोड़ रहे हैं सुफा तो ऐसे नहीं थे सुफा सुबह मेहनतें करते थे लकड़ियाँ काट कर लाते थे फरोख्त करते थे और अल्लाह के नबी साथ मजलिस में बैठकर पढ़ते थे ना? तो उनकी जिंदगी अलग थी तो बताने के हैं कि सूफी से मुराद दो बातें हो सकती हैं एक उनके ड्रेस की नस्बत करके उनको सूफी कहा गया दूसरा एक असहा सुफा की तरफ नस्बत करके उनको क्या किया सूफी गया। चले देखते हैं। अब सुफा की तरफ अगर नस्बत करते हैं देखिए असहा मस्जिद अलैहि वसल्लम के चबूतरे पर रहने वाले फकीर सहाब जिनका कोई घर बार बल बीवी बच्चे नहीं थे हाँ वो उनसे मुशाबाहत रखते हैं या एक दो हुआ या तीसरा ये कि सफवा की तरफ नस्बत है सफवा, सफवा, असाबा यानी सफवा कहते हैं साफ दिल वाले अब कितने माने हुए तीन या तो आप कपड़े की तरफ नस्बत करके उनको सूफी कहें असहा सुफ़ा की तरफ नस्बत करके असहा सूफी कहें या साफ़ दिल वाले मान कर क्या कहें सूफी कहें तो क्योंकि उनके दिल के दिल और आमाल पाकिजा थे तो कहते हैं कि ये सब बातें गलत हैं क्या बोलते हैं ये सब बातें गलत हैं क्योंकि सुफ़ा से नस्बत होती तो फ़ा और या की तशदीद के तहत तशदीद के साथ सफवी सफ़ी सफ़ैन कहा जाता और सफ़त की तरफ नस्बत से सफ़वी होता यानी ग्रामर के लिहाज से ऐसे होता हो और सर्फ़ के लिहाज से तारील के लिहाज से और इसलिए भी कि दोनों मानी उनके सिफात पर सादक नहीं आते क्योंकि उनके अंदर ख़राब अक़ीदा और कसरत से बिदातें मौजूद होती वो पाकिज़ा दिल कहाँ होते हैं उनमें हम हर सूफ़ी को ऐसा नहीं कहेंगे बाद सूफी अल्लाह वाले हैं उनके अंदर सही अकायद भी हैं उनको हम नहीं कहते लेकिन इस नाम को लगा कर जिन्होंने धोखा दिया है उनकी बात हम करते हैं सूफिया के तमाम सिलसिलों या जिसे अब तसव्वुफ़ कहा जाता है उनमें अक्सर बिदाते हैं शिरकिया बिदाते हैं अब जिसे भी आप तसव्वुफ़ आज के ज़माने में कहेंगे उनमें शिरकिया बिदाते हैं या श्रिक के वसाइल हैं ऐसे कुछ अमाल हैं जो शर्क तक पहुंचाते हैं फासिद अक़ायद और कुरान और हदीस की मुखालफत पाई जाती उनके अक़ीदे में बिगाड़ है कुरान और हदीस की मुखालफत है जैसे आ, मुर्दों और खुतुब वगैरह से मदद मांगना मुर्दों से मदद मांगी जाती है उन लोगों को जो खबरों में हैं उनको मुश्किल कुशा समझा जाता है जैसे अरब के इलाक़ों में सोडान में या मिस्र में या अरब के इलाकों में चले जाएंगे, तो या सईदी मदद, या सयद जैनब यानी अलग अलग नामों से पुकारते हैं या बदवी ये भी है जैसे या ख्वाजा बोलते नहीं वैसे वहाँ या बदवी बोलते हैं हाँ, या इस तरह दीगर के दीर अल्फाज के ज़रिए पीरों और फ़ीरों और बुज़ुर्गों से सवाल करना उनका यह भी मानना है कि वो दिलों के जासूस हैं ये जो अंदर कब्रों में जो लोग हैं आपके दिलों में जो भी है वो क्या है अंदर से जान लेते हैं आप अंदर से जान लेते हैं अल्लाह कुरान में कहता है आयुन वमा सुदूर आँखों की खियानत और दिलों ने जो छुपाया है उसे कौन जानता है अल्लाह जानता अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता अगर इस तरह वो मानते हैं कि ये दिलों के जासूस हैं हमारे दिलों में जो भी है जान लेते हैं तो इस तरह से ये शिरक फिल इल्म के मुर्तकब हो गए क्या बोलेंगे इसे शिरक इल्म अल्लाह का जो इल्म है उन्होंने क्या किया उसे वली को दे दिया अल्लाह का जो इल्म किसे दे दिया वली को दे दिया शिरक फिल इल्म इसे क्या है शिरक अल्लाह ताला कि जो इल्म है फिल इल्म है शरीक फिल तसरुफ है शर्क फिल इबादा है शर्क इल्म के मरतखब हुए ठीक है उसके बाद वो कहते हैं ये वली सब क्या हैं? दिलों के जासूस हैं कहते क्या हैं दिलों के जासूस हैं हमारे दिल में क्या होता है पीर साहब को मालूम हो जाता खबर वालों को मालूम हो जाता देखो ऐसे ऐसी बातें नहीं सोचने का जो गैब की बातों को जानते हैं, हैंशा रजी अल्लाह तह ने फ़रमाया कि जो कहे कि अल्लाह के नबी नबीम गैब की बातें जानते हैं उसने अल्लाह के नबी नबीसम पर बहुतान लगाया लगाया। इलीगेशन लगायाव वो अल्लाह के नबी नबीम के कि एक सहाबिया कहती हैं कि जिस वक्त मेरी रुख्सती थी अल्लाह के नबीम हमारे घर आए आकर मेरे वहाँ बिस्तर पर बैठे और अंसार की बच्चियाँ कुछ खसीदे तराने गा रही थीं और दफ बजा रही थीं और कह रही थी कि हाँ वफीना नबीन यालम हमारे अंदर एक नबी है जो कल की बातें जानता है तो अल्लाह के नबी से फरमाया कि ऐसा मत कहो पहले जो कह रही थी वो कहो अल्लाह के नबी से ने ख़ुद अपने से गैब को क्या किया है नफी की है कुल्ला अमली कुल नफसी वला नफा अब कह दीजिए कि मैं न नफा का मालिक हूँ ना नुकसान का मालिक हूँ और मैं गैब जानता तो लस्तक और तो मिनल खैर सारी भलाइयाँ मैं जमा कर लेता तो अल्लाह के नबी वसल्लम को जब गैब मालूम नहीं था तो ये खबर में सोने वालों को गैब कैसे मालूम होगा तो कहते हैं ये दिलों के जासूस हैं जो गैब की बातों को जानते हैं और उन्हीं दिलों की पोशीदा बातों का इल्म होता है पोशीदा बातों का इल्म होता है तो कहा कि कोई भी मुरोई मुरीद जब ख़बर पर आता है उसकी दिल में हजार बातें होती हैं जो भी वो दिल में लेकर आता है साहब ख़बर को अंदर से मालूम हो जाता है मुरीद की क्या क्या ज़रूरतें ऑटोमेटिक वो सारी ज़रूरतें क्या हो जाती हैं पूरी हो जाती हैं वन कॉल दट साल कहा कि बस एक काम कीजिए सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी ख़त्म हो जाएंगे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं तो अल्लाह सुबहान क्या कहते हैं अम मंगुजीबुलमोतर्रदा दा वक्शु ये अल्लाह ताला है जो दिलों की बातों को जानता है अल्लाह तबारक वाली है जो दिलों की बातों को सुनता है तो कहते हैं इसी तरह अल्लाह ताला को ना तो ये बात अलिया ने कहा अवलिया ने भी इंसान ही कहा कि हम गैब जानते हैं किसी वली ने शायद ये दावा नहीं किया हो तो अल्लाह वाले तो ऐसा दावा नहीं करते हैं तो देखिए आगे चल कर कहते हैं उनके पास ऐसे राज हैं जिनकी वजह से वो आदत और मामूल के खिलाफ आमाल भी अंजाम दे देते हैं कुछ ऐसे काम भी वो लोग कर देते हैं जो आप नहीं कर सकते मामूली आदमी नहीं कर सकता इसी तरह अल्लाह ताला, ताला उस को ऐसे नामों से पुकारते हैं जो अल्लाह ताला ने अपने लिए इख्तियार नहीं फरमाए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा वल्लास्समा उलहस्सन फ़दिहा वरुदीन फी असमाई अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं उन नामों से अल्लाह ताला को पुकारा करो वदरलिनलैदून फी असमाई अल्लाह ताला के नामों में इल्हाद पैदा ना करो अल्लाह ताला को आप पुकारेंगे उन्हीं नामों से पुकारेंगे या अल्लाह रहमान रहीम मुहैमिन अजीज जब्बार मुतकबिर असमाय हुसन जो हैं इसको छोड़ कर ये लोग क्या करते हैं ऐसे कमरे में बैठेंगे गोल हल्का बनाएंगे हल्का बनाकर अब हु, 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 हु बोलेंगे ये अल्लाह के नामों में से है अल्लाह के नाम सुने हैं आप कभी गए हैं नहीं गए हैं नहीं गए हैं अल्लाह करे न जाए तो हु हु वगैरह आवाज़ लेना कि अल्लाह को अल्लाहु। तो अल्लाहु अल्लाह हु तो अल्लाह हु अल्लाह लफ्ज़ जलाला कट करके सिर्फ़ क्या बोलते हैं हु हु तो उसके बाद हमारे पास और भी इनके ताल्लुक़ से कुछ बातें हैं कल ज़रा वक्त पर आ जाएं तो हम कुछ बातें कर सकते हैं तो कटा की उंगली शामिल शहीदों में हो जा ऐसा ना करें ज़रा वक्त पर आने की कोशिश करें ये बहुत बहुत अहमियत वाली बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत रखती हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में बरकत दमीन असलम आलकम वल्ला बरकता